हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय पूजा। दोस्तों आज मैं लाई हूँ बच्चों के फेवरेट कार्टून डोरेमोन की फेवरेट केक डोरा केक की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसके लिए हमें बेकिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो आई एम श्योर बच्चे ही नहीं बड़े भी इस केक के दीवाने बन जाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े से बोल में हम लेंगे मैदा। एक कप मैदा लिया है मैंने। उसके बाद जाएगा इसमें चीनी, तो यहाँ पर मैंने पाउडर चीनी लिया है और चीनी है 3/4 कप। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 3 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क के। तो अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है अपने चैनल पे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर कंडेंस्ड मिल्क को घर पर कैसे बनाएं इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। साथ ही जो ऊपर में राइट कॉर्नर में आई बटन है वहाँ पर भी मैंने इसकी रेसिपी का लिंक दे दिया है, तो आप उसको भी प्रेस करके कंडेंस्ड मिल्क बना सकते हैं। उसके बाद डाल रहे हैं इसमें शहद, तो यहाँ पे 3 छोटे चम्मच शहद डालने हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है डोरा केक का, तो इसको स्किप मत करिएगा, इसको ज़रूर डालिएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बेकिंग पाउडर जो कि है 1/2 चम्मच, तो अगर आपके पास पुराना है तो इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। अब इसके बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो हमारा ये मिश्रण है वो एक सार हो जाए, और इसका जो टेक्सचर होगा एक सार होने के बाद वो थोड़ा सा क्रम्बल हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड करना है दूध, तो दूध को हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही लीजिए जब भी आप केक वगैरह बनाएं। इसमें 1/2 कप दूध जाएगा, बट उसको हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते रहेंगे और अपने बैटर को मिक्स करते रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे जिससे जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल ही लम्प फ्री बने, उसमें कोई भी गांठे ना रहे। तो देखिए ये अब स्मूथ होने लगा है, इसमें भी थोड़ा सा दूध और जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही दूध हमें इसमें डालना है और मिक्स करते जाना है। तो देखिए हमारा जो बैटर है अब रेडी हो चुका है। अब इसमें जाएगा बटर, तो जो बटर है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लिया है मैंने। जो बटर होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, तो अगर आपके फ्रिज में बटर है तो उसको कम से कम 3 से 4 घंटे पहले ही उसमें बाहर रख दीजिए उसको, जिससे जो बटर वो सॉफ्ट हो जाए, अदरवाइज़ इसको मिक्स करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। चलिए अब इसको पैनकेक बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, उस पर हल्का सा घी से ग्रीस कर दिया है उसको। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बैटर को, तो सारे केक एक साइज़ के बने इसीलिए मैं यहाँ पर 1/4 कप का यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप नाप के लिए किसी छोटी कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हमें इस बैटर को डाल देना है, और बैटर को हमें कुछ नहीं करना, वो अपने आप से ही शेप ले लेगा। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें चीनी है तो तले में बहुत जल्दी पकड़ेगा, इसीलिए फ्लेम पूरे टाइम हमें लो रखना है, फ्लेम को कभी भी मीडियम या हाई नहीं करना है। अब इसको ढक देंगे और ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको उठाकर देखते हैं। देखिए जब ये एक साइड में पक जाता है तो इस पर हल्के हल्के बुलबुले आने लगते हैं, यानी ये एक साइड पक चुका है। अब इसको पलट देंगे जिससे ये दूसरी साइड भी पके। तो इसको पहले किनारे से हल्का सा उठाएंगे, उसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद इसको हम ढक देंगे, और ढकने के बाद फिर से 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर ही कुक होने देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक करते हैं,
देखिए इस साइड से भी केक अच्छी तरह से पक चुका है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसी तरह हम सारे डोरा केक्स को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ये सारे डोरा केक्स रेडी हो चुके हैं। एक कप बैटर से लगभग 7 से 8 डोरा केक्स बन जाते हैं और कप का यूज़ करने से सारे केक एक ही साइज़ के बनते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होता है ये केक। इसको आप ऐसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अदरवाइज जो डोरा केक है उसको सर्व किया जाता है सैंडविच स्टाइल में, तो चलिए वो भी करते हैं। इसके लिए हम डोरा केक सो लेंगे 2, और जो एक डोरा केक लेंगे और उस पर कोई भी चॉकलेट स्प्रेड हम स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रेड नहीं है तो आप कंडेंस्ड मिल्क लीजिए और इसमें कोकोवा पाउडर मिक्स कर दीजिए, आपका चॉकलेट स्प्रेड रेडी हो जाता है। तो देखिए डोरा केक हमारा सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। ऐसे ही एक और डोरा केक रेडी कर लेते हैं। तो देखिए 2 डोरा केक हमारे रेडी हो चुके हैं, तो बिल्कुल ही रेडी है खाने के लिए। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो अभी ये थोड़े बड़े हैं इसीलिए इनको कट कर दिया जा रहा है, जिससे कि खाने में हमें आसानी हो। तो इसको 20 से हाफ कट कर देंगे, जिससे जब हम खाएं तो आसानी से इसको खा सकें। तो लीजिए ये कट हो गया है। हमारा डोरा केक बहुत ही टेम्प्टिंग और बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए अब इसको अच्छे से प्लेट में सजा देते हैं और ये रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए। एंड अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो जो मेरा पेज है फ्लेवर्स बाय पूजा, उसको लाइक करिए और फॉलो करिए। मैं मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।